तो भाई पिछले हफ्ते रिलीज हुई स्त्री 2 मूवी जितने रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती थी उतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है भाई। जवान, पठान, गदर 2 जैसे बड़ी बड़ी मूवीज का उस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन करेगी, क्योंकि इसके पिछले जितने भी मूवीज है इस यूनिवर्स वो इतना कलेक्शन नहीं कर पा रही है। मतलब उनका अगर वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखे तो इसके फर्स्ट डे के कलेक्शन से भी कम होता है। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी जवान जैसी बड़ी बड़ी शाहरुख खान के, सलमान खान की मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। एंड अगर ये मूवी ऐसे ही चलती रही तो दंगल जैसी मूवीज को भी ये आराम से पीछे कर देगी, क्योंकि दंगल मूवी ने भी इस मूवी जितना कलेक्शन नहीं किया है। जहाँ पे इस मूवी का 50 से 60 करोड़ में बताया जा रहा है, कोई ज्यादा कुछ बड़ा बजट भी नहीं। जहाँ पे पठान एंड जवान जैसी मूवीज तो 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के बजट बनी हुई। एंड एनिमल जैसी मूवीज का 150-200 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद भी इस मूवी के वह नाखून के बराबर भी नहीं। जहाँ पे इस मूवी को रिलीज हुई आज 11 दिन हो चुके हैं। एंड इस मूवी के अंदर हमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वहीं पे अभिषेक बैनर्जी एंड और भी बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही में हमें अक्षय कुमार का कैमियो भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। एंड हमारे वरुण धवन भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सभी की जो केमिस्ट्री हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है वो वाकई में काफी अच्छी है। इस मूवी का क्लाइमेक्स जहाँ पे खत्म होता है, वाकई में लोगों को इसका क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे 15 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त की रात को ही इस मूवी को रिलीज कर दिया गया। रात के कलेक्शन है वो काफी अच्छे थे, 9,40,00,000 रुपए इस मूवी अपने रिलीज एक दिन पहले कमा लिए थे। एंड इसने अपने रिलीज के मतलब 15 अगस्त के दिन 55,40,00,000 रुपए कमाए थे। एंड इसने अपने फर्स्ट डे के अंदर 64,80,00,000 रुपए टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, जो कि एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट। और हमने फर्स्ट डे के अंदर ही इस मूवी ने पठान, जवान, वॉर जैसी बड़ी बाहुबली जैसी मूवीज के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी के अंदर इतना कलेक्शन नहीं किया। एंड इस मूवी ने अपने 4 दिन के अंदर 204 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था, जो कि एक वाकई में काफी अच्छी कमाई। अपने 4 दिन के अंदर इस मूवी ने 200 करोड़ का क्लब हासिल कर लिया। वह इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीक के अंदर 38 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब जब इस मूवी का फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ था उस दिन इस मूवी 38 करोड़ रुपए कमाए थे। एंड अपने फर्स्ट वीक के अंदर इस मूवी ने 204 करोड़ का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। वह इसके फर्स्ट वीक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात करें 308 करोड़ रुपए थे, जो कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छे। वहीं पे ये मूवी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 300 करोड़ रुपए कमाई करने वाली मूवी भी बनी। आई थिंक एनिमल को छोड़ के एंड एक दो मूवीज और है उनको छोड़ के ये मूवी 4th इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 300 करोड़ रुपए कमाई करने वाली मूवी बन गई। वहीं पे इस मूवी ने अपने 9वें दिन मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया, वह 9वें दिन इस मूवी ने काफी अच्छा कमाई किया, 19,30,00,000 रुपए की कमाई की, जो कि वाकई में काफी अच्छा अमाउंट। एंड भाई इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट भी नहीं है, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट भी नहीं, लेकिन इस मूवी के जो हॉरर कॉमेडी जोनरा है इस मूवी का, उसकी वजह से ही ये मूवी लिटरली में इतना कलेक्शन कर रही है। एंड लोगों को ये मूवी इतना ज्यादा पसंद भी आ रही है। वहीं पे इस मूवी ने 9वें दिन पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर 327,10,00,000 रुपए का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, जो कि लिटरली में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। वहीं पे इसके 9वें दिन के बाद 10वें दिन की बात करें तो 10वें दिन इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 361 करोड़ रुपए कर लिया। वह 10वें दिन की बात करें तो 10वें दिन इस मूवी ने 34,60,00,000 रुपए कमाई की है। वह इसके डे 11 मतलब आज की बात तो आज संडे है एंड इस मूवी ने काफी अच्छा ओपनिंग लिया। आफ्टरनून से पहले पहले इस मूवी ने काफी अच्छी 28% से लेकर 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 42 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। तो आराम से ये मूवी शाम तक 50 करोड़ से भी ज्यादा ओपनिंग लेके जाएगी, क्योंकि अभी तक इसके ऑलरेडी एडवांस टिकट से बुक हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी तक 42 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा लिए। वह शाम को एंड नाइट को और शो लगेंगे, जिसकी वजह से 8-10 करोड़ रुपए मूवी और कमाएगी। आज मतलब डे 11 को यह मूवी आराम से 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ले। वहीं पे अभी तक इसके टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो काफी अच्छे है, मतलब 404 करोड़ रुपए मूवी अपने 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर चुकी है। मतलब 2 वीक अभी इस मूवी को कंप्लीट हुए भी नहीं है, 1 वीक एंड 4 दिन के अंदर इस मूवी ने लिटरली 404 करोड़ मतलब 400 करोड़ के क्लब में ये मूवी शामिल हो चुकी है, जो कि एक वाकई में काफी अच्छी बात। तो भाई अभी तक तो ये मूवी इंडिया के सबसे फास्टेस्ट 400 करोड़ लिस्ट में आने वाली मूवी बन चुकी है, आफ्टर दैट दंगल मूवी के बाद में। एंड इस मूवी को मतलब सालार से, बाहुबली से भी, पठान से भी, जवान से भी ज्यादा अच्छी ओपनिंग मिली है। एंड काफी लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया। इंडिया के अंदर हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी आराम से बन जाएगी। एंड ये मूवी अपने 2 वीक के अंदर आराम से 550 करोड़ का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेगी। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा स्त्री 2 टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमेंट करके जल्दी से बता देना। बाकी मिलते हैं जरिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।